क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? अक्सर चुनाव के दौरान इस तरह की बातें आरोप सुनने को मिलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ की गई है, इसी के चलते परिणाम एक तरफ आए हैं। आने वाले कुछ समय में देश में लोकसभा के चुनाव, उसके बाद हरियाणा के विधानसभा के चुनाव, इसी बीच नगर निगमों के चुनाव होने हैं। सरकार, चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है कि लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं दूर की जा सकें, राजनीतिक दलों के जो आरोप लगते हैं वह समाप्त हो सकें। इसी को लेके ईवीएम मशीन में साफ सुथरा काम है यह दिखाने के लिए ईवीएम को जगह जगह स्थापित किया गया है। यमुनानगर में इसी तरह का डेमो हो रहा है, लोग आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अपनी तसल्ली कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस पर और क्या है ये डेमो? सर ये एक्चुअली जनरल अवेयरनेस मशीन हमने लगा रखी है। अगर किसी ने ये डाउट क्लियर करना है या देखनी है मशीन में वोटिंग करके कोई देखना चाहता है तो उसके लिए हमने अवेयरनेस मशीन लगा रखी है। कोई भी आम पब्लिक से कोई भी आदमी जो यहाँ आते हैं जाते हैं अपना वोट डाल के चेक कर सकते हैं कि जो वोट मैंने मशीन के अंदर डाले हैं वही पर्ची के अंदर कट के गिरी है कि नहीं गिरी है। ठीक है जी, ये इस रिगार्डिंग लगी हुई है, अवेयरनेस चला हुआ सर। ये अपना नाम और परिचय दो सर। मेरा नाम मिस्टर मनोज कुमार है, मैं गवर्नमेंट आईटीआई सढौरा में एमएमवी ट्रेड से इंस्ट्रक्टर हूँ वहाँ से। तो यहाँ इस रिगार्डिंग ड्यूटी लगी हुई है अवेयरनेस के रिगार्डिंग जी, तो ये अवेयरनेस कर रहे हैं सर पब्लिक को। इसमें सर एक फ़ायदा ये भी है, अभी जो नए बच्चों की वोट्स वगैरह बनी है जो पहली बार वोट डालेंगे वो यहाँ पर आकर अपने वोट डालकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे उनको आगे इलेक्शन के टाइम में वोट डालने में बड़ी आसानी रहेगी और उनके लिए एक सुविधा भी रहेगी कि वो पहले वोट डाल के ट्राई करें फिर बाद में अच्छे से अपना वोट वो अपना डाल सकते हैं। मेरा नाम है गुरनाम सिंह, मेरा गांव है जयरमपुर। बाकी जो मशीन देखी जिस से आपसे ये बता रहे इस से आपसे तो ठीक है, क्योंकि जिस बटन का इन्हें प्रयोग करवाया हमारे से या मैं जिसका भी छांट के किया वो बटन की सही पर्ची आ रही है, आगे वो दिख रही है कहाँ भी मैंने ये बटन का दबाया और यही आगे आ रहा। इस तरह आगे अगर कोई गड़बड़ होती है वो इन्हें पता होगा, यहाँ तक तो ठीक है। मैं अविनाश कालड़ा सढौरा से हूँ, मैं आज वैसे जिला सचिवालय में आया हुआ था। तो ये जो अभी ईवीएम का चल रहा है वीवीपीएट से भी अभी मैंने यहाँ पे डाल के देखा है, जिस नंबर पे डाला है वही मुझे नज़र आया है। ये जो विपक्ष का तो काम है, विपक्ष क्या करता है कि जब सरकार जीत जाती है तो ये तो देखो जी इन्होंने मशीनों में गड़बड़ कर रखी है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये सब झूठ है। ये विपक्ष एक राजनीति करता है, अगर जब ये अभी जहाँ जीत जाते हैं वहाँ तो मशीनें ठीक हो जाती हैं, अगर जहाँ पे अगर ये मशीन जहाँ हार गए वहाँ पे मशीनें ख़राब है, वहाँ मशीनों में इन्होंने सरकार ने गड़बड़ कर रखी है, तो ये बिल्कुल झूठ है। आज ये जो जिला सचिवालय में प्रशासन के द्वारा जो ये मशीनों की देखा है, मैंने अभी डाल के देखा, बिल्कुल सही डला है और इसमें कोई कमी नहीं है। धन्यवाद।
आपने घुमाया वो नहीं घुमा गया। कहने का मतलब ये है कि पारदर्शिता पारदर्शिता अवेयरनेस वोटिंग मशीन है। हाँ जी हाँ जी। तो वो आपने देखा अक्सर आरोप लगते हारने वाला उम्मीदवार या पार्टी कहती है किसमें नहीं विपक्ष तो आरोप लगाता रहेगा जी। मैंने भी डमो अभी वोट डाल के देखा है, मैंने एक नंबर की वोट डाली, एक नंबर उसमें वोटर मशीन पे एक नंबर आया। ये तो आरोप विपक्ष तो लगाता रहेगा, जब जब जीत जाते हैं जब तो आरोप लगाते रहे, जब हार जाते हैं तो जब आरोप लगाते हैं। विपक्ष भी जब भी आरोप लगाते हैं जब हारता है, जीतने से जब जीतता है फिर आरोप नहीं लगाता। डोमो में मैंने वोट चेक किया, मेरी वोट तो ठीक है। ये देखो पारदर्शिता है, पारदर्शिता है। आप खुद भी कोई भी पक्ष का भी वोट डाल के देख सकते हैं। तो जो अधिकारियों ने प्रयास किया एक डेमो का अच्छा प्रयास है, ये बहुत अच्छा प्रयास है जी, जिससे आम पब्लिक को ही पता लगेगा कि इसमें वोटर मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो विपक्ष का आया है, जो लगाते हैं विपक्ष आरोप कि हम हार गए तो मशीन में हेरा फेरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है जी। ओके ओके ठीक है जी। नया वेरिएंट है ना कोविड का, उसकी तैयारियां और ठंड को नए साल की शुभ कामना जी। सारी ले लेते हैं जी। कितने दिन रहेगा ये अपना? ये रख लेंगे 10-15 दिन तो रखेंगे। कुछ भ्रांति रहती वोट कहाँ गई किधर से। हाँ। साल है ये इलेक्शन का है 2024, इसमें विधानसभा भी है लोकसभा भी है, मेयर के भी चुनाव होने नगर निगम के, तो बाहर डिवाइस भी है, तो इसका क्या पर्पस है? बेसिकली कई बार ये आवाज़ें उठती हैं कि कोई मशीन की फंक्शनिंग कैसे है, क्या उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऐसी आवाज़ें हम अक्सर सुनते हैं अखबारों में भी टीवी पे भी लोगों में भी। तो उन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये बूथ लगाया गया है जहाँ पे बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट और साथ में वीवीपैट मशीन भी लगी हुई है, तो लोग आकर इसका देख सकते हैं ऑपरेशन कैसे होता है, कैसे चलती है, कैसे वोट डलता है, वीवीपैट में कैसे आपको कन्फर्म होता है कि हाँ मैंने जहाँ वोट डाली थी उसी पर्ची निकली है। तो लोगों के शक शुबे और भ्रांतियाँ और दुष्प्रचार को रोकने के लिए बेसिकली ये लगाई गई है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों, चाहे आमजन हो, या कोई ऐसे लोग हों जिन्होंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, वो सीखना चाहते हैं देखना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे आके एक ट्राई ले सकते हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर देखिए इसको, सो दैट अफवाहें फैलाने का अवसर ना मिले, दुष्प्रचार ना हो और किसी भी प्रकार की भ्रांति शक शुभा भी किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए।